Hello, dear students. How are you all? Happy? In our last lecture, हमने first unit start किया था. The name of the unit is the best Christmas present in the world. First part हमने last Tuesday को किया था. आज हम उसका second part करते हैं. It is a very interesting lesson. Last में जब हमने stop किया था तब आपको मैंने comprehension work दिया था. Two questions थे, आपको उसके answers लिखने थे. आपने I hope and I know, I am sure, आपने ये answers आपकी notebook में लिख लिए होंगे और जब भी आप हमारी school start होगी आपको ये दिखाने होंगे. In last lecture we had seen that in our author had found out an envelope. एक एनवेलप मिला था. एनवेलप जब अनफोल्ड किया तब उसमें डेट लिखी थी 26 नवंबर 1914. ये एनवेलप उसको मिला था और ये एनवेलप किसको लिखा गया था? टू whom वॉज इट सेंट? इट वॉज सेंट टू मिसेस जिम मैकफर्सन. इसका एड्रेस भी लिखा था. अब हमारी ऑथर है वो ये लेटर पढ़ती है और इसमें क्या है आइए हम देखते हैं. डियरेस्ट कोनी, एक हस्बैंड मिस्टर मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को युद्ध भूमि में से ये लेटर लिखा था. Name of the wife is Connie. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind. जब भी कोई युद्ध भूमि में से लेटर लिखता है, बैटल फील्ड में से लेटर लिखता है तो वो कभी हैप्पियर मूड में नहीं होता है. लेकिन मिस्टर मैकफर्सन जो वॉर के लिए गए हैं उसने ये लेटर लिखा है लेकिन हैप्पी मूड में लिखा है. उसका रीजन क्या है? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड. हैज हैपन्ड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. हैज के बाद V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आता है. समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. मुझे जल्दी से आपको बता देना चाहिए कि कुछ वंडरफुल हुआ है और क्या वंडरफुल हुआ है वो मुझे आपको बता देना चाहिए. बात ये है वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग एंड इट वॉज अ क्रिसमस मॉर्निंग. वी वर स्टैंडिंग इट मीन्स कंटिन्यूअस पास्ट टेंस. कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस we are learning English, but continuous past tense we were learning English. The same way we were standing, hum log khade the. To in our trenches, what is the meaning of trenches? Trenches is a long deep ditches in the ground where the soldiers hide themselves from the enemy. एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए युद्ध भूमि में जो गड्ढे वो लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंचेस बोलते हैं. हम लोग यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग थी, हम लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े थे. इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. आज नो उपयोग आज का यूज किया गया है. कौन सी डिग्री आई? पॉजिटिव डिग्री आई. वी वर स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग एंड यस्टरडे इट वॉज अ क्रिसमस मॉर्निंग. हाउ वॉज द क्लाइमेट? मैं आपको PDF में क्वेश्चंस भेज रही हूँ. आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. तो अगर आपको कोई ये पूछे कि हाउ वॉज द मॉर्निंग, मॉर्निंग कैसी थी? इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट, शांत मॉर्निंग थी. एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मैंने ऐसी सुंदर मॉर्निंग
कभी नहीं देखी थी, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। क्रिसमस, आपको पता है कि क्रिसमस दिसंबर में आता है, तो दिसंबर में थोड़ी सी ठंडी रहती है, तो दिसंबर की मॉर्निंग कैसी होती है? कोल्ड होती है, फ्रोस्टी होती है। फ्रोस्टी का मतलब होता है फॉग, फॉग मिस्ट, जिसे हम धुम्मस कहते हैं। थोड़ा सा फॉग था, थोड़ा सा फ्रोस्टी एटमोसफियर था, कोल्ड एटमोसफियर था। जैसे कि क्रिसमस की मॉर्निंग होती है, वैसी ही अच्छे वाली क्वाइट एंड हैप्पी मॉर्निंग थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग युद्ध में गए हैं तो हमारी मॉर्निंग पेनफुल थी, हम लोग दुखी थे, ऐसा नहीं। बट ऑन दैट डे द मॉर्निंग वॉज हैप्पी मॉर्निंग एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एवरीथिंग देयर वॉज क्वाइट ऑल अबाउट। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। फिर कुछ हुआ, अगर मैं आपको ऐसा कह सकूं कि हमने स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने नहीं स्टार्ट किया था। क्या नहीं स्टार्ट किया था, आगे बताते हैं। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। फ्रिट्ज ये जर्मन का कॉमन नेम है, जर्मन सोल्जर्स को कॉमनली, जर्मन लोग का कॉमन नेम है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में किसी को बच्चे का नाम नहीं आता होगा तो हम बोलते हैं मुन्ना इधर आ या मुन्नी इधर आ, वैसे जर्मन लोग सबको कॉमन नेम से फ्रिट्ज बुलाते हैं। फिर से ये लाइन देख लेते हैं, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। अगर मैं आपको ये कह सकता कि मैंने, हम लोगों ने ये शुरू किया तो अच्छा होता। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू सी, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। ये फ्रिट्ज थे, किसके लिए फ्रिट्ज वर्ड यूज किया जाता है? जर्मन पीपल के लिए, जर्मनी में ये कॉमन नेम है। यहाँ भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फ्रिट्ज बिगेन इट। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। पहले तो हम में से किसी ने वाइट फ्लैग वेव किया गया, दिखाई दिया। ट्रेंचेस किसका था? जर्मन लोगों का था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। बिटवीन द टू आर्मीज जो लैंड होती है उसको नो मैन्स लैंड कहते हैं, किसी की मालिकी की ये भूमि नहीं थी। देन दे वर कॉलिंग टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, जो नो मैन्स लैंड थी उसके पीछे से दे वर कॉलिंग अस। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। जैसे फ्रिट्स जर्मन में कॉमन नेम है, वैसे ही इंग्लिश में कॉमन नेम होता है टॉमी। सो उन लोगों को किसी का नाम तो नहीं आता था, तो सब ने बोला टॉमी। टॉमी मीन्स ओ ब्रिटिशर्स हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम सरप्राइज में से बाहर निकले, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हमारे में से किसी ने शाउट किया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, हे फ्रिट्स, इट मीन्स जर्मन्स, सेम टू यू, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। ग्रेट कोट, विंटर में जो हम लोग बड़ा वाला कोट पहनते हैं उसको ग्रेट कोट बोलते हैं। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट। ग्रे ग्रेट कोट में एक आदमी आया, वॉट वॉज द मैन डूइंग? ही वॉज वेविंग अ वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ पीस, वो वॉर का सिंबल नहीं है, पीस का है। डोंट शूट लैड्स, ओ डोंट शूट, हम लोग आपके पास आ रहे हैं, हमारे हाथ में वाइट फ्लैग्स है, डोंट शूट, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लास्ट ईयर मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनते हैं आपको सिखाया था। जब हम मिलेंगे तब उसका इनडायरेक्ट स्पीच फिर से करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं। Someone shouted, "Don't shoot!" and no one did. किसी ने शूट नहीं किया,
हमारे एनिमीज हमारे सामने आ रहे थे. देन देर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया. कीप योर हेड डाउन, कीप योर हेड्स डाउन. मैंने अपने सोल्जर्स को कमांड दिया, आप अपने हेड्स को डाउन कर लो. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक. ये उन लोगों की ट्रिक है, अपने अपना सर नीचे कर लो. फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, अज्ञार्थ वाक्य आ गया, कीप योर हेड्स डाउन. फिर मैंने क्या बोला, इट्स देयर ट्रिक. बट इट वॉजंट. पहले तो मैंने बोला कि ये ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. जर्मन्स में से किसी एक ने अपने सर पर एक बोतल वेव किया. इट्स क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्नैप्स. इट इज अ जर्मन ड्रिंक एंड इट इज मेड ऑफ ग्रेन्स. उसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्नैप्स, स्नैप्स. वी हैव स्नैप्स. इसके हाथ में स्नैप्स की बोतल थी, वो एक जर्मन ड्रिंक है. वी हैव सोसेजेस. हमारे पास सोसेज है. वी मीट यू, यस. क्या हम आपको मिल सकते हैं, यस. बाय दिस टाइम देयर वर डजंस ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन लैंड, नॉट अ राइफल बिटवीन देम. ऐसा बोल के हमने देखा तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, डजंस ऑफ जर्मन सोल्जर्स वेर वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस द नो मैन्स लैंड. जो नो मैन्स लैंड थी, किसी की हिस्सेदारी की जो भूमि नहीं थी, उसके उस पार से जर्मन सोल्जर्स अपने हाथ में स्नैप्स की बोतल लेके हमारे ओर आ रही है. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम. तो फिर कोई किसी को स्टॉप नहीं कर सका. आई वॉज द ऑफिसर. मैं ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप देम. मुझे उन लोगों को स्टॉप करवाना था. मैं अगर आई शुड हैव स्टॉप देम, मैं उसको अटका सकता था, मैं उसको स्टॉप करवा सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं. आई शुड हैव स्टॉप देम. इट इज एन एक्टिव वॉइस. लेट्स मेक इट पैसिव. सब्जेक्ट इज आई. ये यहाँ पे मैं कर्सर ले जाके आपको सब्जेक्ट दिखा रही हूँ. शुड हैव स्टॉप्ड इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. टू व्होम शुड हैव स्टॉप्ड देम. तो ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. दे शुड हैव बीन स्टॉप्ड बाय मी. लास्ट ईयर हमने ऐसे सेंटेंसेस क्लास में किए थे. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम. उसका पैसिव होता है दे शुड हैव बीन स्टॉप्ड बाय मी एंड देयर. देम एंड देयर एंड देन. मैं उन लोगों को वहीं पे स्टॉप कर सकता था. बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ओकर टू मी आई शुड. ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इन लोगों को अटकाना चाहिए. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल एंड आई वॉज वन ऑफ देम. आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर. दो लोग की बात होती है एक दूसरे को. माई टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर आता है. लेकिन दो से ज़्यादा लोग होते हैं, दो से ज़्यादा चीज वस्तु होती है, जनरली पर्सन्स होते हैं, तो वन अनदर का यूज हम करते हैं. ये आपको याद रखना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर. आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर. मैं और कुछ देख ही नहीं सकता था. ओनली पीपल वेर कमिंग टूवर्ड्स वन अनदर. ब्रिटिश सोल्जर्स वेर गोइंग टू जर्मन्स एंड जर्मन्स वेर कमिंग टू ब्रिटिशर्स एंड आई वॉज वन ऑफ देम. और उन लोगों में से एक मैं था. आई वॉज एन ऑफिसर.
मैं उसको स्टॉप कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं. इंस्टेड ऑफ दैट आई जॉइन देम, आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. मैं उन लोगों में से एक था. आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट क्लाउड. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस. वॉर के मिडल में हम लोग क्या कर रहे थे? पीस एंजॉय कर रहे थे, शांति एंजॉय कर रहे थे. आज का ये लेसन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. पीडीएफ में मैं आपको क्वेश्चंस भेज रही हूँ. दूसरा काम आपको ये करना है कि दोनों पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट ट्यूसडे को भेजा था, सेकंड पार्ट मैं आज भेज रही हूँ, दोनों को आपको एक साथ पढ़ना है. कैसे उसको लेटर मिला, कैसे उसको टेबल मिला, ये सब आपको याद करना है और इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. जो होमवर्क एट द एंड ऑफ पार्ट वन आया है, टू क्वेश्चंस, वो भी आपको लिखने हैं. स्पेलिंग्स लिखना, अच्छे से पढ़ना, स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से दिल देकर पढ़ना. ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. सुंदर ब्यूटीफुल फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू. गेट रेडी फॉर इट. डू बेस्ट मैक्सिमम यूज ऑफ दिस टाइम. ऑल द बेस्ट. गुड बाय. आई रियली मिस यू ऑल. वी होप टू मीट सून. थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय.